फॉलो कीजिए शिमारू एस्ट्रो 360 ऑन फेसबुक। आ गया है साल 2020। इस 2020 में आपका क्या होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, ये हम लोग आज बात करने वाले हैं। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं आपकी भविष्यवाणी बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं सूर्य के आधार पर, यानी कि आपका सूर्य राशि क्या है, सन साइन क्या है। खास करके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं ये उसके आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं। और इंडिया में काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो आपके मून साइन के ऊपर, यानी कि आपका राशि जो है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो होता है उसके आधार पर करते हैं। तो ये दोनों जो हैं इनमें एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको सिर्फ एक ग्रह के आधार पर आप करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ अलग तरीके से करने वाला हूँ। मेरा नाम है ग्रीनस्टोन लोबो, मैं एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं इसको अलग नज़रिए से देखता हूँ इंटर एस्ट्रोलॉजी को। तो मैं यहाँ पर आपको आपके एसेंडेंट के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ आपका राशिफल 2020 का। ये जो एसेंडेंट के हिसाब से यानी कि आपका लग्न के हिसाब से करने का एडवांटेज बहुत है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका एंटायर सोलर सिस्टम जो है इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं ये आपके कुंडली के ऊपर कर क्या रहे हैं आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स का इंटरप्ले आपको देखने को मिलता है, इसके वजह से ये जो प्रेडिक्शन जो है ये ज्यादातर एक्यूरेट होने का चांसेस होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना है कि भाई आपका लग्न क्या है। मतलब देखो ये राशि अलग है, सन साइन अलग है, डोंट गो बाय दैट। ओके, वो आप पकड़ के चलोगे तो बिल्कुल गलत निकलेगा। तो आपको अपना असेंडेंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी आपको अभी आगे बताने वाला हूं वो आपके असेंडेंट के ऊपर आधारित है, यानी लग्न के ऊपर आधारित है। ये आपको अगर पता करना है तो आप जाइएगा कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप निकाल सकते हैं आप। डोंट गो टू अ इंटरनेशनल वेबसाइट, फॉरेन वेबसाइट पर जाओगे तो आपका लग्न गलत निकल सकता है। कोई भी एक इंडियन वेबसाइट में जाइए, एक फ्री वेबसाइट में जाइए, आप अपना बर्थ डिटेल डालिए और आपको आपका पत्री निकलेगा और उसमें से आपको देखना है, ढूंढना है एसेंडेंट। लुक एट व्हाट इज योर असेंडिंग ज़ोडियाक साइन, आपका लग्न क्या है, आपका लग्न का राशि क्या है वो आप देखिए, उसके आधार पर हम बात करेंगे आपका 2020 कैसा होगा ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहला लग्न यानी कि एरीज लग्न। एरीज लग्न के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई इस साल में 2020 में तीन ग्रह जो है उनका बहुत ही बारी खेल रहने वाला है और वो तीन प्लैनेट्स है जुपिटर, सैटर्न एंड प्लूटो। ओके, शनि, गुरु और प्लूटो जो है ये तीन प्लैनेट्स हैं, उनका खेल इस साल में बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि क्या हो रहा है आप देखिए, गुरु आप लोग सब जानते ही हैं, बहुत इसका बवाल ऑलरेडी हो चुका है, सब लोग जानते हैं कि गुरु जो है वो अपने राशि यानी कि धनु राशि में प्रवेश कर चुका है और शनि जो है वो भी अपने राशि में प्रवेश कर रहा है जनवरी में। आप सोचिए मतलब पूरा का पूरा साल में शनि रहने वाला है अपने खुद के घर में, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रवेश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल यू नो इंपॉर्टेंस है उसका। और खास करके मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कहूं तो वो बात ये है कि भाई प्लूटो साहब जो है, प्लूटो जिसको प्लैनेट नहीं माना जाता था लेकिन फिर माना नहीं गया, फिर वापस माना गया है, वो प्लैनेट जो है वो उच्च स्थान में आ रहा है, वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो धनु राशि में था इतने साल, करीब 13 साल वो धनु राशि में था और धनु राशि में प्लूटो जो है वो नीच होता है और वो अभी उच्च स्थान में जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इस वजह से आपका जो भविष्यवाणी जो है वो बदलने वाला है। तो क्या होगा इसका देखेंगे अब हम। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं उनके लिए 2020 कैसा होगा ये हम लोग देखेंगे। वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए शनि जो है वो प्रवेश कर रहा है थर्ड हाउस में, तीसरा स्थान पर। प्लूटो लग्न का प्लैनेट है, मतलब प्लूटो जो है उनका एसेंडेंट लॉर्ड है और वो उच्च स्थान में जा रहा है तीसरे स्थान पर, और सेकेंड हाउस में है गुरु। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। सेकंड हाउस इंडिकेट करता है धन दौलत को, पैसे को इंडिकेट करता है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट फोकस कहां पर है, थर्ड हाउस पर है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो ये जो वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं उनके लिए थर्ड हाउस मतलब क्या है, थिंकिंग। थर्ड हाउस का मतलब है कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस का मतलब है क्रिएटिविटी, थर्ड हाउस का मतलब है कि टॉकिंग। सो आपको ऐसा कुछ होने वाला है इस साल
जहां पर आपको बहुत कुछ सोच समझ के करना होगा। अगर आप ऐसे कोई नया कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं जहां पर यू आर द क्रिएटिव पर्सन, यू आर द क्रिएटर, यू आर द मास्टर, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द पर्सन हु इज बिहाइंड द ब्रेन बिहाइंड द वेंचर, ऐसा वाला शायद कोई काम आपको करने को मौका मिलने वाला है। आप कोई नया स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करने वाले हैं, आप कुछ नया कुछ सोचने वाले हैं, आप कुछ नया थिंकिंग करने वाले, आप कुछ नया कुछ रिसर्च करने वाले हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। एंड इवन आपको वृश्चिक लगने वालों की ये भी हो सकता है कि इवन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रैवल। देखिए, थर्ड हाउस ट्रैवल को इंडिकेट करता है, थर्ड हाउस डजंट इंडिकेट लॉन्ग टर्म ट्रैवल बट इंडिकेट शॉर्ट टर्म ट्रैवल। तो हो सकता है कि मतलब आप काफी ट्रैवल वाला कोई नौकरी में चले जाएं, या तो यू नो ट्रैवल की वजह से थोड़ा सा इरिटेट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थिंकिंग मतलब सोचने वाली जो बात जो है ये काफी हो सकता है आपके लिए। तो देखते रहिएगा वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा होता है। सो ऑल द बेस्ट यू ऑल 12 जुडिक साइंस, एंजॉय एंड हैव अ फैंटास्टिक 2020। सी यू सून।